सिरसा के युवा साथियों को ऑनलाइन अमेजोन से मोबाइल मंगवाना पड़ा महंगा, निकली डम्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के एसपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि अमेजोन से ऑनलाइन मोबाइल मंगवाना कुछ युवा साथियों को महंगा पड़ गया। साथियों, ऑनलाइन मोबाइल वो मंगवाते हैं और उसके बाद में उनको डम्मी दी जाती है, वो चेक करते हैं और उसके बाद में वो मोबाइल वापस भेज देते हैं। और अब एसपी साहब से मिलने आए हैं और कहने लगे कि हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हुई है, कृपया करके हमें न्याय दिलवाया जाए। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? साहिल। हाँ जी, iPhone 13 मंगाया था, उसमें जैसे ओपन बॉक्स करा ना, उसमें डमी निकली है और अमेजन कंपनी को डाला, वो इन्वेस्टिगेट कर करके कहते टाइम दो मिलर डाल दी, पर कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम? हैरी है नाम। हाँ जी, iPhone 12 128 मंगाया था, तो जैसे ही डिलीवर हुआ उसके अंदर डमी रिसीव हुई है, तो पीछे से अमेजन को कम्प्लेंट करा है तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं। और हमारे फोन 2 एक्टिवेट भी हैं, सिरसा में ही हैं, किसी ने मतलब लोकेशन भी आ गई, चेक करवाया। अच्छा, आपने मोबाइल मंगवाया तो एक्टिवेट किसी ने बीच में निकाल लिया और अब एक्टिवेट भी है वो? हाँ जी, हाँ जी, एक्टिवेट है, वो चला भी रहा है। अच्छा, तो इसीलिए हमने कंप्लेंट करवाई है डीसी साहब को। कोई सूत्रों से किसी व्यक्ति की कोई जान पहचान हुई होगी, कोई भी कौन व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ही करेंगे जाँच पड़ताल तो। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है भाई? रोहित उपवेजा नाम है। हाँ जी, मैंने iPhone 13 ऑर्डर किया था, उसमें से बीच में से डमी निकली है, और जब मैंने कंप्लेंट करी तो कस्टमर केयर वाले कुछ कर नहीं रहे। अब साथियों, मोबाइल यूनियन भी हमारे साथ हैं जो इन युवा साथियों के साथ आई हुई है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विमल कुमार है, द सिरसा मोबाइल रिटेलर यूनियन से प्रेजिडेंट। मेरे संज्ञान में ये आया था कि एक दुकानदार भाई है और उसके आस पड़ोस के जो मित्र हैं उन्होंने कुछ मोबाइल मंगवाए थे अमेजोन से, और जब उन्होंने मोबाइल रिसीव किया तो मोबाइल में ओरिजिनल मोबाइल की बजाय डमियां निकली हैं, टूटी फूटी नकली मोबाइल निकले हैं। और वो हमारे जो भाई हैं वो बड़े ही चिंतित हैं, 55,000 का कोई 18,000 का इस तरह से जो है मोबाइल, कई लाखों के जो हैं। और इसमें जो है सिरसा के जो डिलीवरी बॉय हैं या कोई भी है, उन पीछे से जहाँ से भी आया है, तो उसमें से कौन इस चीज़ का दोषी है, हम इस चीज़ की जो है एसपी साहब से और अपने सिरसा प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो है न्याय की मांग करते हैं। इसलिए हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं। हमने यहाँ पे सभी मोबाइलों की जो भी डम्मी निकले थे उनकी जो हमारे पास थी डिटेल वो दे दी गई है, और हम चाहते हैं कि उनका हल सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो और जिसने फ्रॉड किया है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारे पास 5 मोबाइलों की डिटेल है, जिसमें से 2 मोबाइल उनमें से एक्टिवेट हो चुके हैं और उनमें से एक में सिम भी डल चुकी है। तो हम प्रशासन से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे भाइयों की जो समस्या का समाधान किया जाए और जो इसमें दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ के जो है हल किया जाए हमारी समस्या। कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे अमेजोन ने मोबाइल तो भेजा होगा, रास्ते में ये डिलीवरी बॉय या कहीं ना कहीं इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिली भगत हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, अमेजोन कंपनी ने हो सकता है सही मोबाइल भेजा हो और रास्ते में जो डिलीवर करने वाले हैं उनमें से कहीं पे गड़बड़ी हुई है। तो हमारे को ये श्योर नहीं है किसी तरह का। हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि वो जो है हर तरह से छानबीन करे, लीगली कानूनी जो कार्यवाही है वो करे और उचित तौर पर जो है जल्द से जल्द हमारे दुकानदार भाई है या हमारा कोई भी रिटेलर भाई है, जानकार है, तो उनकी समस्या का हल जल्दी से जल्दी। हाँ जी स्वामी जी, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। पहले तो मैं आपका चैनल से सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप आवाज़ उठाते हो हमारी। ये है जी, आजकल ना ऑनलाइन का काम चल गया है और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो मैं शहरवासियों से जो ऑनलाइन का जो मंगाते हैं उनको जागरूक करना चाहता है कि इस चीज़ों से बचे भाई। ऑनलाइन ना ले, थोड़ा महंगा हो वो यहीं से खरीदे मान ले। ऑनलाइन की क्या है, मंगाते हैं 55,000 का मोबाइल, उसमें निकलती है डमियाँ, 1 रुपया नहीं निकलता। और हमारे दुकानदार के साथ, काफ़ी दुकानदारों के साथ हुआ है ये, कल से मान ले, अभी और भी हमारे को सूचित मिली है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ऑनलाइन ठगी है और हम मोबाइल यूनियन के साथ हैं और हमें न्याय चाहिए और न्याय लेकर ही रहेंगे और दुकान भाइयों को भी न्याय दिलाएंगे, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होने देंगे। हाँ जी नमस्कार, दिनेश हूँ मैं, दिनेश कारगवाल, सिरसा मोबाइल यूनिट से महासचिव। सर ऐसे है, ऑनलाइन मोबाइल से ये ठगी बहुत ज़्यादा होने लग गई आज के दिन में। आज के दिन में अगर ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले एक और फ़ोन देने के लिए आया और वो अमेजोन का खुद मैनेजर खुद आया देने के लिए, ठीक है जी, और उसके सामने अनबॉक्सिंग की है।
उसके अंदर भी डम्मी निकली है। उसको जो मैनेजर था उसको ये लगा था ये यानी कि कस्टमर गलत बोल रहे हैं, यानी कि मेरे साथ कुछ यानी कि हमारे साथ कुछ ना कुछ यानी कि गलत है, पर उनको खुद यानी कि देखा उसने तो खुद वो चंकित रह गया इस बात के लिए कि देखो ये कैसा निकल रहा है। तो थोड़ा सा यानी कि इस टाइम मैं शहरवासियों को भी यही बात कहना चाहूँगा कि किसी के साथ भी अगर ये इस तरीके की ठगी हो रही है, हमारी यूनियन सब शहरवासियों के साथ है, कोई भी इस तरीके की यूनियन के साथ अगर कोई बात होती है तो आप यूनियन के पास आओ, हम उसका कैसे न कैसे करके हल करवाएंगे। हम पुलिस प्रशासन और एसपी साहब हम इनके यानी कि ज्ञान इनको यानी कि हम बता चुके हैं ये बात है, पर जितने भी केस होंगे हम इनके सामने स्पष्ट करेंगे। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजकल ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, युवा साथी है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन से ये मोबाइल खरीदते हैं, उसमें भारी डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन भारी डिस्काउंट के साथ साथ इनको डम्मी दे दी गई है। अब ये न्याय की गुहार लगाने के लिए सिरसा के एसपी साहब से मिलने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि हमें न्याय दिलवाया जाए। तो मेरी सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन से गुजारिश और विनती है कि कृपया करके इन युवा साथियों को न्याय दिलवाया जाए और इसके साथ साथ इस मामले में जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, शुक्रिया।